जय हिंद एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने फ्रंट पेज पे मेजरमेंट बताया था, आँख नाक और कान की दूरी, होठों की दूरी। आज हम हाफ साइड फेस बता रहे हैं, साइड साइड फेस। उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। सर्किल तो उसी तरह से रहेगा, लेकिन उस सर्किल में जो हमारा नोज़ का सेंटर है वो साइड में चला जाएगा, और जो जो जिस साइड में हम फेस को और टर्न करेंगे उस साइड की आईज़ छोटी दिखेगी। देखिए, हम डायरेक्टली ही आज हम आपको बनाते हैं। पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, शेड बाद में करेंगे। यस, इसमें हाफ साइड हाफ दे रहे हैं, तो उसका देखिए मेजर ये रहेगा, ये आपका फोरहेड है। इसमें इस तरह से यूं नीचे जा करके, और ये आपका ये लाइनिंग इस तरह से आएगी। ये हाफ साइड पोज आपको बनाना पड़ेगा। उसमें ये जो साइड है ना, ये और भी थोड़ा छोटा होगा। आप एक बार बनाएं, बार बार बनाएं, और आईज थोड़ी सी बड़ी दिखाई। और ये जो ब्लैक पार्ट हिस्सा है, ये इस साइड में ज़्यादा रहे, क्योंकि ये इधर देखता हुआ फेस है। ये नोज भी आईज यहाँ से आप देखेंगे, इसको टच करता हुआ यहाँ से आएगा। ये हम आपका साइड फेस दिखा रहे हैं। नोज में भी आपको जिस साइड से जो उधर का साइड कम दिखेगा, ये साइड ही आपको दिखेगा नोज। ये हाफ साइड नोज का ये पोज है, वो वाला साइड कम दिखेगा आपको। इस तरह का नोज हम इसमें देंगे, और सारी डिटेल धीरे धीरे वीडियो में आती जाएंगी। अब ये जो आईज है हमारी, ये देखिए हमारा जो सेंटर में था नोज, वो साइड में चला गया थोड़ा सा, ये हाफ साइड में। अब दूसरी आईज हमारी आईब्रो उसी तरह से बनाने हैं। ये अब इसका ये जो ब्लैक पार्ट है, ये इस साइड में देना आपको, क्योंकि ये इस साइड में देखता हुआ। फ्रंट में हमने सेंटर में दिया था 1/3, इसको इस तरह से देना आपको। इसके बाद आपके लिप्स भी देखेंगे, लिप्स भी हमने जो सेंटर बताया था, ये वाला साइड छोटा रहेगा, ये वाला साइड बड़ा रहेगा लिप्स का, और ये वाला पीस भी छोटा रहेगा, और ये इस तरह से ये साइड लिप्स आपको रहेगा। इस तरह से आपको लिप्स बनाना पड़ेगा। और ये सीन भी यहाँ पे आने के बाद, ये देखिए ये इस तरह से इस साइड में आ जाएगा। फिर उसमें बात आई थी, आप इसको गर्ल्स और बॉयज के चेहरे में कन्वर्ट करना है, तो आप हेयर स्टाइल चेंज कर देंगे तो बॉयज़ एंड गर्ल्स का इशू ख़त्म हो जाएगा। ये चीन थोड़ी सी नीचे से लोग आपको, ये आप एक बार दो बार चार बार बनाएंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप जो सारी डिटेल है वो अलग से, मैंने अलग अलग आईब्रो वो सब बताई थी, सेटिंग वेडिंग। अभी मैं सिर्फ जगह ही बता रहा हूँ आपको, कौन सी जगह कहाँ कैसे बनानी है साइड पोज में। ठीक है, अब हम इसको बॉयज वही वाला सिस्टम है इसका, बॉयज़ की शेप देंगे, तो आपको ये वाला इधर वाला ईयर्स नहीं दिखेगा साइड, ये वाला पार्ट, ये बालों की शेप ऐसे दिखेगी, ये कान इस तरह से आपको दिखेगा। यहाँ पे हमारा जो ईयर्स फिनिश होगा यहाँ पे इस तरह से हमारे को ये, और ये जो हेयर स्टाइल है इसकी इस तरह से हमारी ये स्टाइल, ये जो साइड पर जगह, तो ये हमें दिखेगा थोड़ा सा नीचे पीछे तक, ये हमें इसे, और इसकी जो गर्दन को हम इसी से अटैच करेंगे ऐसे यहाँ से, क्योंकि ये साइड पोज है। हमने फ्रंट में जब बताया था आपको कि आईज़ की सीध में
गर्दन बनाना था, लेकिन ये हमने साइड पोज आपको बना के दिया है। तो इस तरह से आपको ये साइड पोज बनाना है। इसी को और डिटेल बाद में अलग अलग चीज़ की हम बताएंगे, ये सिर्फ साइड पोज बनाने के लिए है आपको, ठीक है। अब इसको हम गर्ल्स फेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को इसी तरह से देखिए, पिछली वीडियो में हमने बताया था सिर्फ और सिर्फ हेयर स्टाइल ही आपको चेंज करनी है, और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है। हेयर्स गर्ल्स का हेयर स्टाइल ज़्यादा हाइट पे नहीं होती, क्योंकि लंबे बाल होते हैं लेंथ, और उसमें ऑयली भी होते हैं, तो ऐसे खुले बाल हों वो अलग बात है, लेकिन फोरहेड को ज़्यादा बड़ा हम नहीं दिखाते गर्ल्स को, इतना सा ही आपको दिखाना है। यहाँ पे आपका गर्ल्स में आपको ये वाले हेयर्स इस तरह से आपको दिखाने पड़ेंगे। ये देखिए आपकी, ये थोड़ा सा मेजरमेंट आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये देखिए, सिर्फ हेयर स्टाइल चेंज करने से आपको गर्ल्स की लुकिंग आ गई। इसमें ये वाला जो कान आप जो देख रहे हो, हल्का सा ये वाला जो पीस है ना, ये हल्का सा दिखेगा यहाँ पे, अगर हम लेडीज़ बनाते हैं तो इसमें ईयर रिंग वगैरह इसका कुछ ऑर्नामेंट रहते हैं वो दिखते हैं ऐसे ऐसे। ये हमारा फोरहेड थोड़ा छोटा हो गया, तो आपको बड़ा करना है। ये वाली लाइन लगभग इतनी सी होती है, ये अंदर जाके फिर बाहर जा करके। यहाँ भी हम इस तरह के हेयर्स ऐसे बना सकते हैं गर्ल्स के लिए। इसको आप डार्क करने, शेडिंग करने हम अलग से बताएंगे हेयर शेड कैसे करते हैं। तो आप इस तरह से आप ये गर्ल्स बॉयज़ गर्ल इस हेयर को जी, हम ये जो लाइनिंग है इसको भी हम हेयर से ही लग करके बताएंगे आपको। ये साइड पोज आप फिर आपने और डिटेल बना ली है, तो इसको डार्क कर सकते हैं, और जैसे हमने पहली शेड में बताई थी उस तरह से आपको ये डबल लाइनिंग वाली शेडिंग, अब नोज़ की शेडिंग शेडिंग हमने अलग से बता रखी है सभी को, वो शेडिंग उसी तरह से आपको ये शेडिंग आपको कर लेनी। ये सिर्फ साइड पोज हमने बताया कि साइड पोज में, हाफ साइड पोज में कौन सा पार्ट किधर से आएगा, इसमें भी आपको वही आइज़ को उसी तरह से करना है, बीच वाला डार्क करना है, ये आपको इस तरह से करना है। उसके बाद फिर आपके जो ऊपर का जो ये पार्ट है ना, इसको डार्क करेंगे उसी तरह से, फिर आप इसमें इनको हाईलाइट करके, ये वाला हाईलाइट करने के बाद इसमें आई लिड्स ही बना बना देंगे।